तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। अगर आप विंडोज 10 यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ मेरा नाम, तो वहाँ पे नीचे हिंदी में भी आ रहा है। मैं तो मैं इंटर जैसे ही मारूंगा तो वहाँ पे वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो भी चाहिए वहाँ पे डाल सकते हो इंग्लिश में, और आपका हिंदी में हो जाएगा वो। तो ये हम कैसा कर सकते हैं सेटिंग हमारे विंडोज 10 के अंदर, वो देखेंगे। आपको यहाँ पे कुछ ऐप या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये विंडोज 10 के अंदर बाई डिफॉल्ट रहता है, सिर्फ सेटिंग आपको समझना है बस। तो चलो देखते हैं, मैंने पहले का जो किया लाता हूँ वो अनइंस्टॉल कर दिया, तो अभी इंग्लिश में ही आ रहा है आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज भी दिखाई देंगी बाद में, वो भी देखेंगे हम। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले तो आपके सर्च बार में जाना है, और आपको आपकी सेटिंग में चल जाना है। सिस्टम के सेटिंग में जाते ही आपको यहाँ पे टाइम एंड लैंग्वेजेस दिखेंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको लैंग्वेज पे क्लिक करना है। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये वाली लैंग्वेज दिखेंगे इंग्लिश, तो आपको ऐड लैंग्वेज दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको हिंदी सर्च करना है। आप जैसे हिंदी सर्च करेंगे तो आपको ये दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है, और आपको इसे डबल क्लिक कर दो उस पर, या फिर यहाँ पे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, और इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। आपको सबसे पहले इस पर सेट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इसे इंस्टॉल करना है। अब जैसे इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, 1 मिनट तक ले सकता है। फिर इंस्टॉल होने के बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे हम। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। तो आपके सामने ये आएगा, तो आपको नो साइन आउट लेटर करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ही आएगा, तो आपको हिंदी लैंग्वेज पे क्लिक करना है, और आपको ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है, फिर आपको यहाँ पे आने के बाद आपको जो नीचे दिख रहा है ऐड कीबोर्ड, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इस पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका काम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले लैंग्वेज नहीं आ रही थी इधर राइट में, मैं स्टार्टिंग में देख रहा था, तो लेकिन अभी आपको यहाँ पे लैंग्वेज दिखेंगी। अभी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, आपको हिंदी में करना है तो अब इस पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे आप टाइप करेंगे हिंदी में तो वहाँ हिंदी में, और इससे पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको यहाँ बैक आ जाना है। जब हम हिंदी लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे जो इंग्लिश थी वो हिंदी हो जाती है, तो जो सिस्टम की बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज रहती है इंग्लिश, आपको वो सेट कर देना है, नहीं तो आपके जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर वो रहेंगे वो हिंदी में हो जाएंगे। तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है बस। अब यहाँ हमारा काम हो चुका है, हमें कुछ नहीं करना है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो हमारा इंग्लिश आता है, यहाँ पे कौन सा भी हिंदी नहीं आता है। तो सिंपल आपको हिंदी में करने के लिए इस पर क्लिक करना है, वापस लैंग्वेज चेंज कर देना है यहाँ पे, और आपको लिखना चालू कर देना है बस, खत्म, और एंटर मार देना है। तो इस प्रकार की सेटिंग थी। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक से पेमेंट शेयर कर सकते हो, कि तो मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।